गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, इट्स योर स्टडी टाइम। आर यू रेडी? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, लुक हियर, कलर द लेटर एच। यहाँ एच लेटर लिखा हुआ है, इसको कलर करना है। यहाँ देखिए, कलर करके मैं रखी हूँ, आप अपने बुक में इसी तरह एच लेटर को कलर कीजिएगा। ओके, आप लोग को लास्ट क्लास में मैं एच तक पढ़ाई थी, ठीक है ना? तो ये रिपीट क्लास आपका हो रहा है और आज फिर मैं एच लेटर आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग बहुत ही केयरफुली अपने बुक में लिखेंगे। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट, रीड एलाउड लेटर। एच, ओके, रीड एलाउड लेटर एच। ये हॉर्स है, एच इज फॉर हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। ओके, वंस अगेन, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। ये स्पेलिंग आपको लर्न करना होगा, इसलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सर्कल द पिक्चर दैट बिगिन विद द लेटर एच। यहाँ देखिए, तीन पिक्चर है ना? ये तीन पिक्चर में आपको एच लेटर से जो स्टार्ट होगा उसको सर्कल करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला हाउस है, इसको सर्कल करेंगे इस तरह से, इसको सर्कल बना दिए, ये हाउस बना हुआ है ना? और ये एच फॉर हेन होता है, ये हेन है, तो इसको भी सर्कल करेंगे इस तरह। ओके, और ये नहीं होगा, ये जैम है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ देखिए, आपको एच लिखने के लिए थ्री स्टेप में बताया गया है। फर्स्ट स्टेप में आप लाइन स्ट्रेट खींचेंगे, सेकंड में इस तरह से टू लाइन आपका स्ट्रेट रहेगा, और थर्ड में आप एच लिखेंगे इस तरह ना। यहाँ थ्री स्टेप में आपको एच लिखने के लिए बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट एच। यहाँ एच लिखा हुआ है, इस पर पेंसिल ट्रेस करना है। देखिए, मैं करके बता रही हूँ, आप पेंसिल ऊपर रखेंगे, ये इस तरह से पेंसिल को ट्रेस करेंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आप एच लिखेंगे। ओके, इस तरह आप पेंसिल को एच के ऊपर ट्रेस करेंगे, तो ये आपका हो गया एच। एच फॉर हेन, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, इस तरह। और एच का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, है ना, तभी आपका सही होगा। जैसे बुक में अभी आप लिख रहे हैं, इसी तरह आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, एच फॉर हॉर्स। फिर यहाँ देखिए, मैं पेंसिल ट्रेस कर रही हूँ, इस तरह से लाइन इसको स्ट्रेट देंगे ना। ये स्टैंडिंग लाइन दो हो गया, और ये आपका स्लीपिंग लाइन इस तरह होगा। इंग्लिश में इसको स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, तो इस तरह से आपको दो स्टैंडिंग लाइन देना होगा और बीच में स्लीपिंग लाइन, तो ये हो गया एच। ओके, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट एच। यहाँ भी एच पर ट्रेस करना है, देखिए मैं यहाँ भी करके बता रही हूँ आपको, पेंसिल ट्रेस करने के लिए इस तरह आप एच पर पेंसिल ट्रेस करेंगे, और जहाँ आपको ट्रेस करने दिया है वहाँ आप अपने से पेंसिल से ट्रेस करेंगे, तो आपको लिखना आ जाएगा। ये आपका रिपीट क्लास चल रहा है, यहाँ तक मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर
हॉर्स। ओके देखिए यहाँ भी लिख के बता रही हूँ मैं, इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन होगा और बीच में ऐसे मिला देंगे इसको, एच फॉर हॉर्स। आप लिखने के बाद स्पेलिंग जरूर से लर्न करेंगे बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ भी बता रही हूँ, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स। जहाँ ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है वहाँ बहुत ही केयरफुली आप ट्रेस कीजिएगा तो आपको लिखना आ जाएगा, है ना। इसलिए देखिए यहाँ पर मैं लिख करके आपको बता रही हूँ, आप इसी तरह पेंसिल ट्रेस करेंगे, एच फॉर हॉर्स। H for horse। ये दो लाइन आपको स्ट्रेट खींचना है और इसको बीच में ऐसे मिला देना है तो H for horse हो जाएगा। यहाँ भी मैं लिख रही हूँ, इसी तरह आप भी अपने बुक में लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से पेंसिल नीचे की ओर लाएंगे ना, तब सही होगा, H for horse। पेंसिल देखिए यहाँ ऊपर रखना है तो उसको नीचे की तरफ खींचेंगे और इसको मिला देंगे, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स, एच फॉर हॉर्स। आप जितनी बार भी लिखेंगे बोल बोल के लिखेंगे, H for horse, इस तरह से बुक में लिखना है। ओके देखिए यहाँ भी मैं लिख के बता रही हूँ, दो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट देना है और इसको बीच में मिला देना है, H for horse। अब यहाँ भी देखिए बता रही हूँ, यहाँ भी आपको ऐसे लाइन खींचना है और बीच में मिला देना है। देखिए यहाँ भी लिख रही हूँ मैं इसे, देखिए ये यहाँ पर इस तरह स्ट्रेट लाइन खींचे, ओके, और इसको मिला दिए, एच क्या बना बच्चों, एच, एच फॉर हॉर्स, एच। पहले भी आप लोग को एच लिखने के लिए मैं बताई थी, अभी फिर आपको बुक में बता रही हूँ, एच फॉर हॉर्स। तरह से आप अपने बुक में लिखेंगे, H for horse। H for horse। ओके अब देखिए यहाँ भी मैं लिख के बता रही हूँ, H for horse। H हो गया। अब नेक्स्ट ये लाइन में भी मैं लिख रही हूँ, H for horse। अब यहाँ से आपका डॉट्स है, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना है, टू डॉट्स है, यहाँ से आपको पहले ये डॉट्स में मिला देना है ऐसे और लिखना है H for horse। ऐसे लिखेंगे, यहाँ आपको ट्रेस करना नहीं है, यहाँ डॉट्स बना हुआ है, डॉट्स पर लिखना है। यहाँ भी लिख करके बता रही हूँ, H for horse। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है, डॉट्स जो बना हुआ है इसमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बच्चों तो आपका सही होगा ना। तो इस तरह से आप अपने बुक में H for horse लिखेंगे। ओके
यहाँ भी देखिए बता रही हूँ, बुक में बहुत ही इजी कर दिया है लिखने के लिए, डॉट्स बना करके आप अपने बुक में ऐसे ही लिखेंगे, एच फॉर हॉर्स। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी लिख रही हूँ, H for horse। देखिए आपको जितना बार भी H मैं बता रही हूँ उतना बार बोल बोल के लिख रही हूँ, तो आप भी H for horse बोल बोल के लिखेंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा और आपको लेटर की भी पहचान हो जाएगी, H for horse, H for horse। तरह से लिखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, H for horse। ये डॉट्स को मिला देंगे ऐसे, यहाँ भी लिखेंगे H for horse। H for horse। ये पूरी बुक में मैं लिख के बता रही हूँ तो आप अपने बुक में इस तरह से लिखेंगे, है ना। इसलिए देखिए मैं पूरा आपको लिख करके बता रही हूँ, ये आपको लिखने में बहुत इजी होगा, आप इसी तरह से लिखते जाएंगे अपने बुक में। H for horse, HORSE horse, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंगल डॉट है, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे ऐसे बना करके, अभी देखिए आप लोग को बता रही हूँ, है ना, यहाँ पर आपको सिंगल डॉट दिया हुआ है, इस तरह से लिखना है H for horse। यहाँ से आपका डॉट्स जो है सिंगल है, आप यहाँ टू डॉट्स बनाएंगे, यहाँ भी थोड़े दूर में बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे H for horse। डॉट्स आपका पूरा बुक में बना हुआ है लेकिन कहीं पर सिंगल है ना है और कहीं आपको पूरा दिया हुआ है डॉट्स, तो इस तरह से आप अपने बुक में H for horse, HORSE horse स्पेलिंग लर्न करना है। इसलिए देखिए बीच बीच में मैं बता भी रही हूँ इसकी स्पेलिंग, HORSE horse, इस तरह से H लिखेंगे, H for horse। आप H for hen भी लर्न करेंगे लेकिन यहाँ बुक में आपको हॉर्स का स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से H for horse का स्पेलिंग लर्न करेंगे। ये हो गया आपका H, H for horse, ओके। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं लिख के बता रही हूँ, यहाँ भी देखिए सिंगल डॉट से, यहाँ डॉट से बनाना है। आप डॉट सही बना लेंगे तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से लिख लेंगे, डॉट्स भी सही देना है ना, तो आप अपने बुक में डॉट्स देख लीजिए और इसी तरह से लिखिएगा H for horse। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपका लाइन अगर टेढ़ा हो गया तो वो गलत हो जाएगा ना। फिर से देखिए, अब यहाँ भी देखिए इस तरह से आप डॉट्स बना लेंगे, है ना, डॉट्स बना करके और लिखेंगे H for horse। एकदम बोलते हुए लिखना है तो आपको बहुत सारा चीज़ याद होती जाएगा, स्पेलिंग भी आप याद करेंगे और आपको लेटर भी पहचान में आएगा, H for horse, इसी तरह आप लिखेंगे H, H for horse। यहाँ भी देखिए इस तरह से लिखेंगे H for horse,
HORSE हॉर्स, ये देखिए इस तरह H हो गया ना, H फॉर हॉर्स। हॉर्स का स्पेलिंग क्या है बच्चों? HORSE हॉर्स। ओके अब नेक्स्ट यहाँ भी देखिए लिख के बता रही हूँ मैं, ये ऐसे डॉट्स बना लेंगे, डॉट्स दे दीजिए और इसको पहले स्ट्रेट लाइन खींचेंगे है ना, और इसमें मिला करके लिखेंगे H फॉर हॉर्स। H फॉर हॉर्स, H फॉर हॉर्स, H O R S E हॉर्स। हॉर्स का स्पेलिंग लर्न करना है H O R S E हॉर्स। ये हो गया आपका H। फिर यहाँ बता रही हूँ लिख करके, इस तरह से आप अपने बुक में बिल्कुल नाइसली राइटिंग में लिखेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको ये H W जब चेक होगा तो आप अपने बुक का जो भी दिया हुआ है लिखने वाला उसको बिल्कुल नाइसली लिखेंगे बुक में, है ना, H फॉर हॉर्स। ठीक है, देखिए एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों? H, H लेटर है ना, कैपिटल H, और H फॉर क्या होता है बताइए? H फॉर हॉर्स, H O R S E हॉर्स। आप पहले भी बुक में लर्न किए होंगे H लेटर से, H फॉर हेन, H फॉर हाउस, H फॉर हॉर्स। तो आज आप लोग को मैं बुक में H लेटर लिख करके बता रही हूँ, आप अपनी बुक में इसी तरह से लिखिएगा। ओके अब मैं आपको इंग्लिश की कॉपी में भी बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। देखिए ये इंग्लिश की कॉपी है, इसमें आपको H लेटर लिखना है। मैं यहाँ ऊपर लिखी हूँ लर्न एंड राइट, आपको लर्न करना है। यहाँ H फॉर हेन लिखी हूँ, H E N हेन है ना, आप बुक में H फॉर हॉर्स लिखे है ना, और यहाँ देखिए मैं H फॉर हेन लिखी हूँ कॉपी में, H E N हेन। अब ये H लेटर आपको कॉपी में भी लिख करके बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। इंग्लिश की कॉपी में आपको मालूम है कि तीन लाइन को टच करके लिखना है, तो पहले ये देखिए स्टैंडिंग लाइन आपको बिल्कुल थ्री लाइन में ऐसे टच करेंगे और फिर थोड़े दूर में यहाँ और इसको मिला देंगे, तो ये आपका बन गया H। थ्री स्टेप में आपको मालूम है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड स्टेप है ना, H फॉर हेन। यहाँ देखिए हम हेन का स्पेलिंग लिखे हैं, तो आप स्पेलिंग लर्न कीजिएगा H फॉर हेन। ओके H, नेक्स्ट लाइन में यहाँ H, कैसे लिखेंगे? ये लाइन स्ट्रेट देंगे और लिखेंगे H। ओके यहाँ भी देखिए H, कैपिटल H है ना, H। H ठीक है, देखिए कॉपी में ऐसे ही लिखना है, लाइन को टच करते हुए आप लाइन से ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होंगे तब आपका सही होगा H। अब यहाँ देखिए इस तरह से लिखना है कॉपी में H, H फॉर हेन, H E N हेन। आपको स्पेलिंग जो इजी लगेगा उसको आपको लर्न कर लेना है H फॉर, H फॉर हेन अगर इजी लगता है तो आप H फॉर हेन भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए लाइन में लिख रही हूँ यहाँ पर H, H फॉर हेन, H, H। नेक्स्ट ए लाइन में देखिए H,
H. H for hen. H E N, hen. Okay. ये लाइन भी देखिए, यहाँ भी मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखेंगे H. आप लोग का होमवर्क नाइसली होना चाहिए, आप लोग कॉपी में और बुक में बहुत ही नाइसली लिखेंगे। ओके एच 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 फॉर हेन H for hen, H E N, hen. यहाँ भी देखिए मैं लिख के बता रही हूँ, इस तरह से आप अपने कॉपी में H लेटर लिखेंगे। एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, ठीक है? ये इंग्लिश की कॉपी में आप क्या लिखें, H, H for hen. इसकी स्पेलिंग लर्न करना है आपको और कॉपी में ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ ऊपर में मैं देखिए इसको H W कर दे रही हूँ, ये H W हो गया, आपको H लेटर आज मैं पढ़ाई। ओके आप बुक में भी आपको एच डब्ल्यू दे रही हूँ, ये आपका बुक है, ये देखिए बुक में भी ऊपर यहाँ एच डब्ल्यू लिख रही हूँ। आपको बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है बच्चों। आज आप लोग एच लेटर पढ़े, एकदम इसको लर्न करना है और इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट लेटर पढ़ाऊँगी। ओके तो आज आप लोग यहाँ तक अपने बुक में कंप्लीट करके रखेंगे। यहाँ तक मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी थी, अभी आपकी रिपीट क्लास में फिर मैं यहाँ तक आपको पढ़ा दी हूँ। आप अपने बुक में और कॉपी में एच लेटर कंप्लीट रखेंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।